भारत की सबसे बेस्ट लव ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तुल्फा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो लव ऑफ अट्रैक्शन की कोर्स फ्री में दे रहे हैं। जितने वालों को मेरा सलाम, और प्रोक्टर लव ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी भ्रांति सबसे पहले दूर करती है। वे कहते हैं कि केवल आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़कर अमीर नहीं बन सकते, आप केवल विचार करके अमीर नहीं बन सकते, आपको इन विचारों का कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत लोग मात खाते हैं। पहली बात, आपको सही विचार पैदा करने होंगे, उन्हें बार बार महसूस करना होगा, उस भावनाओं को अपने साथ रोक कर रखना होगा और साथ में सारी जरूरत एक्शन लेने होंगे। हम बुक प्रोक्टर की बात क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि यह लव ऑफ अट्रैक्शन के पॉपुलर होने से पहले कोच कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, इन पर कभी और चर्चा करेंगे। जब लोग कहते हैं कि हमें लव ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया है, तो बुक प्रोक्टर कहते हैं कि मैं रिजल्ट देखना पसंद करता हूँ, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अभी सीखना और समझना बाकी है, क्योंकि यह हमेशा काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा हर जगह काम करती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सली कंसिस्टेंट है, जो इस्तेमाल करना जानते हैं या अनजाने में कर रहे हैं, ये सबके लिए काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप कहते हैं कि आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, या आप कहते हैं कि आपके आसपास बहुत सपोर्टिव लोग हैं, तो यह दोनों ही आपने खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं। तो अगला स्वाभाविक सवाल यह है कि लव ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा सर्कल आपका शरीर है, आपका शरीर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का गुच्छा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शरीर का हर मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट कर रहा है। जब आप शरीर छोड़ते हैं, उसके बावजूद भी शरीर का हर मॉलिक्यूल एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है। जब वाइब्रेशन या स्पंदन किसी एनर्जी की वजह से हो रहे हैं, शरीर के साथ साथ जितना भी मैटर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वह सब एनर्जी है, और उसका सोर्स वाइब्रेशन है, जिसको थ्योरेटिकल फिजिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते हैं। डायग्राम में एक बड़ा सर्कल आपका मन है। मन एक ही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया के तौर पर, अवेयरनेस के तौर पर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम नवजात थे तब केवल सबकॉन्शियस माइंड था, हम कॉन्शियसली क्रिटिकल नहीं सोच सकते थे। जो भी होते थे वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर पैराडाइम बनाता था। पैराडाइम मतलब बिलीफ सिस्टम, विचारों और आदतों का एक बड़ा गुच्छा। एग्जाम्पल, किसी ने बचपन में बहुत दुख और तकलीफ देखी है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हो सकता है कि जीवन जीना और पैसा कमाना बहुत कठिन बात है। पैराडाइम बनने से पहले आप शरीर थे, मतलब आपके जीवन का स्तर आपके माँ बाप के जींस पर निर्भर करता था, और पैराडाइम बनने के बाद आपका जीवन विचारों पर निर्भर हो गया। कैसे? वो प्रोक्टर कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी और कॉन्शियसनेस की करंट लगातार बह रहे हैं। यह करंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशनल माइंड है। इसमें जैसे बिलीफ सिस्टम या पैराडाइम बसे हुए हैं, वैसे इमोशंस पैदा करेगा, वैसा ही शरीर महसूस और रिएक्ट करेगा, और वैसे विचार हमें कॉन्शियस माइंड में भी आने लगेंगे। मतलब इन बिलीफ सिस्टम या पैराडाइम के कारण हमारे मन और शरीर का वाइब्रेशन या एनर्जी बदल जाएंगे। जिस फ्रिक्वेंसी पर आपका शरीर और मन होता है, उसी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी आप तक पहुंचने लगेगी। इसलिए बिलीफ सिस्टम या पैराडाइम न केवल यह तय करेगा कि आप क्या एक्शन लेंगे, बल्कि यह ये भी तय करेगा कि आप क्या अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्स टाइप के पैराडाइम या बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं, और आपने कोशिश करके वही तरह का विचार एक बार सोच भी लिया, उसे अपनाने की कोशिश भी की, तो आप परेशान हो जाओगे। अगर आपके गहरे अवचेतन मन में बसा हुआ है कि मैं कमजोर हूँ, तो आप हमेशा 100% देने से रुके रहेंगे, हमेशा घबराते रहोगे। चाहे जितना भी बड़ा मौका आपके सामने आ जाए, सब कुछ सही होते हुए भी आप सही कदम सही तरह से नहीं उठा पाएंगे। स्कूल कॉलेज में सबकॉन्शियस माइंड तो छोड़ दीजिए, कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया जाता। नहीं तो स्कूल में भी हमको डीप ब्रीथिंग व प्राणायाम सिखा दिया होता। मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को हमको ही दिशा देना है, क्योंकि यह दोनों ही वाइब्रेशन कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बसा हुआ है, वह वाइब्रेशन को आसानी से डोमिनेट कर जाता है, वह वाइब्रेशन रिजल्ट पैदा करते हैं। दोस्तों, यह वाइब्रेशन आप भावनाओं
और फीलिंग में महसूस करते हो। फीलिंग इज द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द वाइब्रेशंस वी आर इन। तो आपको क्या करना चाहिए, अब इन सारे नॉलेज को प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। लव ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत होती है कॉन्शियस विचार से। जो भी आप करना या पाना चाहते हैं उस विचार को आइडिया में और आइडिया को विजन और गोल में बदल दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड अपनी मर्जी से काम करता है, लेकिन बार बार कंसिस्टेंटली एक पैटर्न में सोचने से अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। कब होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए। अभी किसी भी डाउट या संदेह को जगह मत दीजिए। अभी अपने अंदर अपने सपने को पनपने दीजिए। मान लीजिए कि आप आलस और गुस्सा मिटाना चाहते हैं, तो सोचिए कि जब आपके अंदर ये नहीं होंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। हर दिन के जीवन में कितना बड़ा बोझ हट जाएगा। बिना आलस थकावट और गुस्से के आप फ्रेश और क्रिएटिव महसूस करेंगे। अगर आप एक चैंपियन होना चाहते हैं तो देखिए कि चैंपियन के तौर पर आपके अंदर फोकस, डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस कैसा महसूस होता है। जब विचार, इमोशंस और फीलिंग साथ घुलते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत आसानी से बदलता है। डॉक्टर मैक्सवेल मार्च अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में कहते हैं कि जब आप अपने गोल से इमोशनली जुड़ जाते हो और उनके लिए गहरी इच्छा पैदा करते हो कि मुझे एक सफल इंसान जैसे महसूस करना है, वो भी हर दिन और हर समय, मुझे अपने सुकून और सेल्फ पर कंप्लीट महसूस करना है, तो ऐसे गहरे इमोशंस, इच्छा, पुराने नेगेटिव बिलीव और उनके कारण पैदा हुए रिएक्शंस जैसे आलस्य, गुस्सा, जलन वगैरह को काट देते हैं। पहले दो स्टेप पूरे करने पर अगले दो अपने आप होगी, क्योंकि इनफाइनाइट यूनिवर्स का जवाब है। हमारा काम इन्हें नोटिस करना है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें कई लोग एक बार में पसंद आते हैं और कई लोगों के साथ मिलने के बाद लगता है कि इन लोगों से ना मिले तो ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की एनर्जी और वाइब्रेशंस पकड़ते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड हमारे पॉजिटिव कॉन्शियस विचार अपना लेता है तो वाइब्रेशन ऊपर उठने लगता है और आप आसानी से दिक्कत और नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। आपको अपने आप सही आइडियाज और विचार आने लगते हैं और एक्शन बड़ी आसानी से लिए जा सकते हैं। जितना आप इस बदलाव को नोटिस करेंगे उतनी आसानी से यह बदलाव आने लगेंगे। चौथा स्टेप है बी अवेयर ऑफ द रिजल्ट। जैसे एम रेडियो एफएम नहीं पकड़ता, बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जैसे आपके वाइब्रेशन है। इसे प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी कहते हैं। हमेशा रिजल्ट के प्रति सचेत रहिए। अभी आगे कहते हैं कि डर, चिंता, अहंकार यह सब लो फ्रिक्वेंसी की भावना है। अगर किसी भी कारण से इन्हें आप अपने अंदर महसूस करते हैं, चाहे वह दूसरे के रिएक्शन के कारण क्यों ना हो, आप स्टेप वन और टू पर काम कीजिए। स्टेप वन और टू में हमारे पास अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, रिपीटेशन, विजन बोर्ड और कुछ टेक्निक है। विजुअलाइजेशंस के और एग्जांपल पर अभी वीडियो बनाना बाकी है और अफर्मेशंस के लिए हम कुछ वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा या फिर बाद के लिए सेव कर लीजिए और उपयोग करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा बस एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और इस तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल तुलपा को सब्सक्राइब कीजिए। जी थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।